प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। एपीएस का वाकया हुआ, आपने खुद भी बताया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो सामने आई, बातें सामने आई कि भारतीय कॉन्सुलेट में भारी मकदार में पैसे दिए गए थे ना, तो हम उस मामले को, उस नैरेटिव को क्यों बिल्ड करने में हमेशा नाकाम रहते हैं? ये ऐसा अमल होता है जो कि आपको यूं आप कह लीजिए कि जिस तरह कोई किसी के पीछे नहीं पड़ जाता जी, उसकी जान अजाब मिले, बस वो काम है कि आपने इस किस्से को छोड़ना नहीं जब तक कि आपके नतायज जो आप लेना चाहते हैं वो मिलना चाहिए। बड़ा एक तल्ख सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि एपीएस का जो सानिहा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन था सर? गफलत किसकी थी सर? इंक्वायरी करके तो आर्मी ने अपने तौर पे जिसको समझा कि वो उनके सेटअप में जिम्मेदार है, यानी उस स्कूल की बिल्डिंग के नुकसानकार थे जी, तो इन्होंने उनको सजाएं दे। माँ अब भी राह तकती है जहाँ फरोश जुगनू से बेटे का, जब्त है कि ना पूछो जा बलब शीर ख्वार का लाशा। खुद माँ ने फिर से सवारा था अलस सुबह जो मुस्कुराता था, माँ की आंख का तारा जिसे लिखना था, पढ़ना था, बहुत ही आगे बढ़ना था, वो शीर ख्वार के जिसने दुश्मन को रन में ललकारा था। गम से निढाल शेर दिल की उदास माँ, सब्र से बढ़कर और क्या करती, माँ तो माँ है ना, अब भी राह तकती है, अब भी राह तकती है। जो बच्चों से लड़ता है।